नमस्कार, आप देख रहे हैं दशकम। जी हाँ, पेश है रविवार 1 जनवरी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8:10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है पौषमा और शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8:10 बड़ी खबरों की। सबसे बड़ी खबर, आज से हो रहे हैं ऐसे बड़े बदलाव, कार बाइक और गैस सिलेंडर महंगा हुआ, वही छोटी बचत स्कीम पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। नया साल यानी 2023 अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आया है, इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा। 1 जनवरी यानी आज से मारुति सुजुकी और हुंडई सहित अन्य कंपनियों की गाड़ियां खरीदना महंगा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। बड़ी खबर, अब आपको बता दें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में 1053 रुपये हुए हैं और कॉमर्शियल गैस दाम रुपये में 1769 रुपये का इजाफा हुआ है। मुंबई में 1721, कोलकाता में 1870, वहीं चेन्नई में 1917 रुपये में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मिल सकेगा। साथ ही पेट्रोल के दाम जस के तस। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम है वो जस के तस बने हुए हैं। वही कार बाइक के दाम बढ़ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक और बड़ा बदलाव, बैंक लॉकर नियमों में बदलाव हुआ है और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए KYC भी जरूरी कर दी गई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, साल के आखिरी दिन मिला IAS और IPS अफसरों को प्रमोशन गिफ्ट। राजस्थान के 124 ऑफिसर होंगे प्रमोट, अरोड़ा दंपति ACC को DG बने हैं। नए साल से पहले राज्य सरकार ने 56 IAS और 41 IPS और 27 IFS को प्रमोशन का तोहफा दिया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना वैक्सीन हुई खत्म, केंद्र भेजी डिमांड। कोरोना को लेकर एक बार फिर देश भर में अलर्ट है, जनवरी में नई लहर की आशंका जताई जा रही है। इधर चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान में कोविड वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म है। हालांकि पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पॉजिटिविटी रेट का काफी कम होने का राहत जरूर है, लेकिन कोविशील्ड की बूस्टर डोज और छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए अभी अगले सप्ताह तक और इंतजार करना पड़ सकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने केंद्र सरकार को वैक्सीन की डिमांड भिजवा दी है। वैक्सीन अगले साल के पहले सप्ताह तक उपलब्ध होने का अनुमान है। डिपार्टमेंट ने इन दोनों वैक्सीन की कुल 10 लाख डोज की डिमांड भेजी है। बड़ी संख्या में बच्चों का दूसरी डोज नहीं लग पाई है। वही आपको बता दें कि मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि अभी राजस्थान में कोविशील्ड की एक भी डोज नहीं है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर समेत पूरे उत्तर राजस्थान में घना कोहरा, शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा है। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों में सर्द हवाएं भी चली हैं। कोहरे से हाईवे पर जहां लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई, तो वहीं सर्द हवाओं से कई शहरों में पारा गिरा है। इससे प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा है। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान में उत्तरी सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ने और 2 से 3 जनवरी से तापमान में और गिरने की संभावना जताई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सभी जनवरी को मिल सकती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की सौगात, 2.5 घंटे में तय होगी जयपुर से दिल्ली की दूरी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुरुग्राम के अलीपुर के दोसा भंडारोज के बीच का काम पूर्ण हो चुका है। अब सभी जनवरी को एक्सप्रेस वे का पहला चरण खोला जा सकता है। एक्सप्रेस वे शुरू होने के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की यात्रा का समय अब घटाकर 2.5 घंटे हो जाएगा। अभी 4 से 6 घंटे का समय लगता है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हुआ भीषण हादसा, कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भीषण सड़क हादसे की खबर है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत शुरुआती जानकारी सामने आने तक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यहां कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस को राहत, इस्तीफे वापस लेने से लगे गहलोत के वफादार। राजस्थान में तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार विधायकों ने अदालत की सुनवाई से ठीक 2 दिन पहले अपना इस्तीफा वापस लेना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि विधायक अदालत के किसी भी प्रतिकूल फैसले से बचने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 16 लाख युवाओं को फरवरी में है इंतजार। CM अशोक गहलोत सौंक गए हैं कि जितने मतों यानी 10 लाख के अंतर से पिछली बार कांग्रेस सत्ता में आई, उसके 2 गुने बेरोजगार 2023 के बजट में अपनी मांगों को शामिल करने को लेकर आंदोलनरत हैं। यानी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार बजट में दूसरा बड़ा नवाचार करने जा रहे हैं। लाखों युवाओं को फरवरी के प्रथम सप्ताह का इंतजार है कि जब CM बजट रखेंगे तो युवा जानना चाहते हैं कि युवा बजट में CM IT और शिक्षा क्षेत्र में और युवाओं पर क्या फोकस करते हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, टीचर ट्रांसफर पर बोले शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कला, CM तय करेंगे।
लंबे समय से इंतजार कर रहे प्रदेश में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले को लेकर अब उम्मीद जगी हुई है। मंत्रियों के प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक में मौजूद शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कला ने जयपुर संवाददाता विनोद मित्तल और पीसी शिव गोविंद सिंह डोटासरा से सीकर संवाददाता कुलदीप पारिक से सीधी बातचीत की। उन्होंने तबादलों को लेकर कहा है कि मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग की बातों को नहीं बता सकता, लेकिन तबादले कब होंगे इस पर उन्होंने कहा कि यह सीएम गहलोत जी के स्तर का मामला है, वे ही तय करेंगे, जो भी उनके निर्देश होंगे उनके पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से सरसा के बाद गाइडलाइन तय कर दी जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नकल विरोधी कानून को और कड़ा करेगी राजस्थान सरकार, जोड़ सकती है रासुका की धाराएं। राजस्थान में नकल विरोधी कानून लागू करके सूबे की सरकार ने पूरे देश में जमकर वाहवाही बटोरी थी, लेकिन उसके बाद भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की सरकार चिंतित है। सरकार का मानना है कि नकल विरोधी कानून में अभी कुछ और संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि इसे और कड़ा बनाया जा सके, पेपर लीक माफिया में भय पैदा किया जा सके। सरकार का नया एंटी चीटिंग बिल आने की बात भी सीआर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करके माफियाओं ने सरकार को खुला चैलेंज दिया है। ऐसे में अब राजस्थान सरकार नकल विरोधी कानून को और कड़ा करेगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 2008 में जिला बना था प्रतापगढ़, इन जिलों के लिए और बढ़ रही है मांगे, अब गहलोत बनाएंगे नए जिले। प्रदेश में वर्ष 2008 में पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय प्रतापगढ़ को आखिरी जिला बनाया गया था, लेकिन उसके बाद आज तक नए जिले के गठन की घोषणा नहीं हो पाई। काफी सालों से लोग जिलों बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में 2023 के मद्देनजर हो विधानसभा चुनाव के, गहलोत सरकार प्रदेश में नए जिलों के गठन की तैयारी कर रही है, जिसमें आपको बता दें कि राज्य सरकार आगामी बजट में करीब आधा दर्जन जिलों की घोषणा कर सकती है। इनमें कोटपुतली, बालोतरा, फलोदी, डीडवाना, ब्यावर और भीवाड़ी जैसे कस्बे शामिल हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सांसद हनुमान बेनीवाल के घर हुई चोरी का मामला, 3 बाल अफसरी विनिरोध। सांसद हनुमान बेनीवाल के घर से चोरी हुआ कुछ सामान पुलिस ने बरामद किया है। सामान संग 3 बाल अफसरियों को निरुद्ध कर दिया गया। आरएलपी सुब्रमण्यम ने 30 दिसंबर को सरकारी आवास पर चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत ही रहेंगे मुख्यमंत्री, आश्वासन होने पर विधायकों ने वापस लिए इस्तीफे, तेवर हुए बरकरार। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के प्रयास आखिरकार कारगर साबित हुए और शनिवार को एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निवास पर एक एक करके इस्तीफा देने वाले विधायक पहुंचे और अपना इस्तीफा वापस ले लिए। हालांकि विधायकों का ये जमावड़ा बीती 25 दिसंबर के वाकये को ताजा करने जैसा था, लेकिन जब उनके शहरों पर आक्रोश और बगावती रवैया था, पर आज सूरत ए आल्ट उल्ट रही सभी विधायक मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर हैं। हर सुबह की तरह आज शनिवार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश में पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट जारी किए। उसके बाद पेट्रोल डीजल के आज जो दाम जारी हुए हैं रविवार के, उसमें आपको बता दें कि जस के तस दाम बने हुए हैं। एक लीटर पेट्रोल की कीमत राजस्थान में 108.48 रुपये और एक लीटर डीजल की कीमत 93.72 रुपये बनी हुई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें।